गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर मैथ क्लास वी डू डिवीजन चैप्टर। डिवीजन के चैप्टर में अब हम आ चुके हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई के हमारा चैप्टर हो गया है। चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट होता है आज से। एक्सरसाइज 4.1 में से क्वेश्चन नंबर ओनली क्वेश्चन नंबर वन आज हम सोल्व करेंगे। डिवाइड आई थिंक आप सबको अच्छे से आती है, फिफ्थ क्लास में हो गए तो डिवीजन आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको कि अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो हमने माल अभी तक हम जो करते थे वो हमारे छोटे छोटे नंबर से, जिन टेबल्स को हम लर्न कर सकते हैं उन टेबल्स से थे। लेकिन अभी जो हमारे ये होंगे डिवाइड के सम होंगे, वो टेबल्स हमारे याद करने के नहीं हैं, वो बड़े बड़े टेबल्स से होंगे, क्योंकि इतनी आगे तक हम टेबल्स लर्न नहीं कर सकते। तो हमें टेबल जो है मल्टीप्लाई कर करके अपना टेबल लिखना होगा और फिर उस सम्स को आगे करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, जैसे कि आपका एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन वन है, डिवाइड द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनको डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा 51,972 डिवाइड 35, 51,972। देखो बेटा, आप एक्सरसाइज उतारोगे अपनी, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन वन की आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सम समझाने की कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर ए क्या हमारा 51,972 डिवाइड 35। आप बताओ 35 की टेबल किसी को लर्न है आपको? नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी इतनी आगे तक हम टेबल्स लर्न नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें 35 की टेबल की रिक्वायरमेंट है, 35 की टेबल हमारे पास होनी चाहिए। और 35 की टेबल हमारे पास कैसे होगी, हमें लिखनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, आपको रफ कॉपी ले लेनी है अपनी, फेयर कॉपी में टेबल नहीं लिखोगे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर करके। आपको अपनी रफ कॉपी ले लेनी है, उस रफ कॉपी में आपको क्या करना है, 35 होगा ये तो सबको पता है। टूजा आप लिखोगे, आप टूजा कैसे लिखोगे, 35 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टूजा आ जाएगा। 2 फाइव ज़ा 10, 1 कैरी, 2 थ्री ज़ा 6 और 1 7, क्या आ गया 70। 35 टू ज़ा 70 हो गया हमारा। अब हमें 3 ज़ा निकालना है, 35 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 3 फाइव ज़ा 15, 1 कैरी, 3 थ्री ज़ा 9 और 1 10, क्या आया 105। 3 ज़ा क्या आ गया 105। अब 35 फोर ज़ा चाहिए तो 35 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, 4 फाइव ज़ा 20, 2 कैरी, 4 थ्री ज़ा 12 और 2 14, 140 हो गया। अब 35 फाइव ज़ा चाहिए, 35 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 फाइव ज़ा 25, 2 कैरी, 5 थ्री ज़ा 15 और 2 17। सॉरी बेटा, 17 हो गया, सॉरी 175 हो गया हमारा। फिर अब हमें क्या चाहिए, 6 ज़ा 35 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6 फाइव ज़ा 30, 3 कैरी, 6 थ्री ज़ा 18 और 3 21, क्या आया 210। तो 6 ज़ा क्या हो गया 210 हो गया हमारा। अब हमें 7 ज़ा चाहिए, 35 7 ज़ा 5 7 ज़ा सॉरी 7 फाइव ज़ा 35, 3 कैरी, 7 थ्री ज़ा 21 और 3 24, क्या आ गया 245। 7 ज़ा पर हमारा 245 आ गया। अब 8 ज़ा चाहिए हमें, 8 फाइव ज़ा 40, 4 कैरी, 8 थ्री ज़ा 24 और 4 28, क्या आ गया 280। अब 9 ज़ा चाहिए, 35 9 ज़ा, 9 फाइव ज़ा 45, 4 कैरी, 9 थ्री ज़ा 27 और 4 31, क्या आ गया 315। और 35 10 ज़ा 350। तो ये तो हमारी होगी 35 की टेबल। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड का करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है ये
इन नंबर्स को थोड़ा गैप कर करके अच्छे से खुले खुले लिखना आप, ठीक है। किससे करना है? 35 से 51,972 को किससे मल्टीप्लाई करना हमें? 35 से। तो 35 देखो, अब ये 35 है यानी 2 डिजिट का नंबर है, तो कम से कम 2 डिजिट ही हमें यहाँ से लेनी है। ये हमने ले लिया 51, तो 35 वन जा अगर हम लेते हैं तो ठीक है, अगर हम टू जा लेते हैं तो ये 70 हो जाएगा हमारा, और इससे 51 से एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 51 से एक्स्ट्रा तो हम कर नहीं सकते ना, इससे या तो इसके सेम नंबर हो या फिर इससे छोटा नंबर हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 51 है तो हमारा, हम यहाँ पर सिर्फ वन जा लेंगे, 35 वन जा 35। यहाँ पर हमने जो क्यूटोंट हमारे चढ़ाते हैं यहाँ पर हमें वन जा चढ़ा देना है, और अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 51 में से 35 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 में से 5 काटा 6, क्योंकि हमने इधर कर लिया, 4 में से 3 1, क्या बचा हमारे पास? 16। अब हमारा नेक्स्ट नंबर जो है हम उसको उतार लेंगे, क्या हो गया हमारे पास? 169। अब इधर टेबल देखो आप, इस टेबल में हमें 169 से छोटा नंबर देखना है, तो देखो 140 है। अगर 175 लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि हमें लेना नहीं है। हम छोटा ले सकते हैं लेकिन एक भी नंबर बड़ा नहीं ले सकते, उसके बराबर हो या फिर उससे छोटा हो। तो छोटा क्या है हमारा? 140। तो 140 कितने पर आता है हमारा? 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या चढ़ा देंगे? 4 जा, और क्या ले लेंगे यहाँ पर? 140। अब 9 में से 0 काटो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 9 में से 0 काटी 9, 6 में से 4 2। अभी नेक्स्ट नंबर उतारो, नेक्स्ट नंबर क्या हमारा? 7, ठीक है, 297 हमारे पास है। अब 297 से छोटा नंबर हमें लेना है, क्या लेना है? 297 से छोटा। तो टेबल हमारे पास ऑलरेडी हमारी लिखी हुई है, इसको देखो, इसमें क्या हमारा 297 से जस्ट छोटा? 280। अगर हम 315 लेते हैं तो वो तो बड़ा हो जाता है, 280 हम ले सकते हैं। तो ये क्या कितने पर आया हमारा? 8 जा पर आ रहा है, 35 8 जा 280, हम यहाँ कर देंगे 280। अब इस 297 में से 280 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 0 7, 9 में से 8 काटा 1, क्या बचा हमारे पास? 17। अब क्या उतारेंगे? 172 हमारे पास हो गया। अब क्या करना है, 35 की टेबल में हमें 172 से छोटा नंबर लेना है, 172 से। यही देखो, 4 जा पर ही जाएंगे, क्योंकि 175 अगर हम लेते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा नंबर हमें लेना नहीं है, तो उससे छोटा क्या आएगा हमारा? 4 जा पर 140, या 4 जा पर 140 हम लेंगे। अभी 2 में से 0 काटा 2, 7 में से 4 काटा 3। तो ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर, क्या ही है हमारा? रिमाइंडर, शेषफल। और ये क्या हमारा? क्यूटेंट। ये याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि हर समय हमारा रिमाइंडर बचेगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, वो सम के उस पर होगा। ये आपको सम्स करने हैं, एक सम मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सबसे पहले आपको जिस भी नंबर से आपको डिवाइड करना है उसकी टेबल अच्छे से लिखनी है। अगर आपने टेबल लिखने में मिस्टेक कर दी तो सम में मिस्टेक ज़रूर होगी आपकी, ठीक है। तो टेबल वेरी केयरफुली आपको लिखनी है, ऐसे साइड में आपको लिख लेनी है, बाद में आप उसको या फिर रफ कॉपी में ही लिखो टेबल को। आप अपनी फेयर कॉपी में सिर्फ ये इधर वाला ये भी नहीं करना आपको, ना ही ये मल्टीप्लाई करके देखनी है फेयर कॉपी में। ये सब आप क्या करोगे, ये टेबल लिखना और ये मल्टीप्लाई कर करके ये रफ कॉपी में करोगे आप। आपको फेयर कॉपी में यहाँ से यहाँ तक जो ये मैंने बताया ये सिर्फ ओनली डिविज़न करना है, ठीक है। ये आपको अपनी कॉपी में अच्छे से ध्यान से करोगे तो अच्छे से आपको होंगे। ये दोबारा से मैं बता रही हूँ कि अगर टेबल लिखने में मिस्टेक हो गई तो सम में मिस्टेक ज़रूर होंगी, इसलिए टेबल को वेरी केयरफुली आपको लिखना है। और अच्छे से ये 6 सम्स हैं आपके जिनको आपको अच्छे से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।